एक्वा स्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वा स्टार ये पीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वा स्टार। आज जो हम लोग का एकता प्रदर्शन जो है अभी भी 70% ही हमको दिख रहा है, जो हम लोग आने वाला 10 दिन का मेहनत जो है आज दिख रहा है हमारा तिरंगा पार्क का ग्राउंड में, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अभी भी 30% लोग हमारा को कमी महसूस होता है, मगर जितने भी आए हैं उसे सभी को और एक बार धन्यवाद करते हैं। आज एकता प्रदर्शन का प्रोग्राम शुरू करते हुए मैं कहना चाहता हूं, जो भी हमारा संघर्ष है सिंगल एक मुद्दा है रेगुलराइजेशन, जो आज का दिन सभी का जरूरत का चीज है। और जो हमारा एज जो है लगभग सभी का 40 पार हो चुका है, इसीलिए आज हमारा एकता प्रदर्शन करने का बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कई 3 साल हो गए हमारा होने वाला है जो APWD कर्मचारी संघ बन के, और इसमें कुछ अचीवमेंट भी हम लोग करे हैं, जो कई मजदूर भाई लोग का जो अंतर का विषय था वो इम्प्लीमेंट करवाए। फरवरी का जो 2 दिन का जो 28 दिन में बना के हम लोग को दे रहे थे, इसीलिए अभी जो हम लोग का एक ही मुद्दा है रेगुलराइजेशन। तो जो हमारा अच्छा कार्य चल रहा था, जो लास्ट ईयर जो हम लोग आंदोलन करे मार्च 12-13 को, उसमें हमारा प्रशासन बहुत पॉजिटिव था। जो आप लोगों को सभी को पता है, जो हमारा BMS RKMS APWD कर्मचारी संघ जो CS साहब से जो मिले थे, हम लोग आश्वासन दिया गया था कि रिक्रूटमेंट चल रहा है MTS का ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद आपका काम हम इमिडिएटली सेटलमेंट करके देंगे करके। इस बीच में कुछ संगठन ऐसा एक कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके वजह से सभी मजदूर लोग भाई लोग को लगा कि वंकड़ हो जाएगा, मगर हमारा संगठन जो BMS RKMS APWD कर्मचारी को मालूम था ये कुछ नहीं होने वाला। तो कई सारा हमारा कमेटी मेंबर लोग के साथ में बैठक बैठाए, तो कई सारा विषय लिया हम लोग क्या करेंगे, तो कोर्ट का विषय है ठीक है रुक जाते हैं। तो वैसे ही देखते हुए हम लोग 3 महीना बर्बाद कर चुके। आज जो हमारा को दोबारा जीरो से वर्क करना पड़ा, जो आने वाला 10 दिन में आपका डोर टू डोर आया सारा मजदूर भाई एकता प्रदर्शन का करके, हम लोग सी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन भी करे, उसमें भी कई संख्या आया, तो वहां से हम लोग काम शुरू करे, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का एज तो आपसे जा रहा है। तो हमारा बड़ा संगठन से भी बैठ के बोला, आप लोग अपना एकता प्रदर्शन में ही है तो आपका ताकत दिखाइए, फिर हम लोग आगे का कार्रवाई करते हैं, कार्य कार्रवाई तक चलता भी है। क्योंकि कुछ विषय ऐसा है कि सभी को बता नहीं सकते, हम लोग दिन रात लगे हैं, यही उम्मीद के साथ में हम लोग सोचता है कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम लोग को अचीवमेंट मिले, रेगुलराइजेशन होए, सभी का घर अच्छा चले और जो सभी का जो तकलीफ है पूरा हो। और कई आज 10 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, कोई कोई सेक्शन में रिटायरमेंट हो गया है, कोई कोई सेक्शन में होने का है, किसी का 2 महीना बचा, किसी का 6 महीना बचा है। हम लोग जब डोर टू डोर जाने लगा सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे पहुंचता है, तो वहाँ हम लोग का तकलीफ सुन के हमारा संगठन का अधिकारी लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जो कंडीशन हम लोग देखा कल रात को 11:30 बजे तक चर्चा करें, क्योंकि सभी का डिमांड एक ही है, स्ट्राइक करने से काम हो जाएगा। तो जहां भी गया भैया स्ट्राइक करिए, स्ट्राइक करिए, हम लोग साथ है। आज स्ट्राइक करना नहीं करना आप लोगों पर में, स्ट्राइक करना या नहीं करना आगे क्या रणनीति बताना आपका आवाज में ही हमारा ताकत है। आज जो एकता प्रदर्शन का जो भाई बहनों का जो भीड़ देख कर लगता है कि आने वाला दिन में सक्सेस होगा, ताकि एक उम्मीद है हमको कि आज जो जितना भी मीटिंग रखा, जितना भी किया, आज जो भीड़ है कहीं भी नहीं था, जो लास्ट मार्च
13-14 को जो भीड़ था आज वो भीड़ दिख रहा है। तो हम एक ही मुद्दा है हमारा कि हमें रेगुलाइजेशन और कुछ नहीं है हमारे बीच। आज हम यहां संगठित हुए हैं, हमारे एपीडब्ल्यूडी महासंघ जो संघ के कार्यकर्ता और पूरे यहां पर मेंबर्स जितने यहां पर आए हैं, साथ ही विभिन्न विभागों से जो संघ है, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल से हो, चाहे वो डीएचएस से हो, एनएम से हो, एजुकेशन से हो, एसटीएस से हो, किसी भी 13 से 14 जो हमारे साथ संगठित हुए हैं आरकेएमएस में, बीएमएस में, उन सभी का एक ही मुद्दा है हमारा। क्योंकि प्रशासन से मैं एक चीज का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि जब जब आरकेएमएस ने, बीएमएस ने, हमने जो भी अपने मांग को रखा, हमने जो भी हमारे विषय में, हमारे हमारे जो संगठन के बारे में या हमारे जो कार्यकर्ता या बोलिए कामगार, हम सबका जो भी विषय में हमने कार्य किया, एक तरीके से किया, एक संस्कार जो होता है हमारे अंदर संस्कार भी होता है। बीएमएस आरकेएमएस में ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है, हमारे बीच ये ट्रेनिंग होता है। आप सभी को भी मौका मिलेगा, नेशनल लेवल में होता है, अंडमान में होता होने जा रहा है, अंडमान पर भी, और हम यहां से भी लोग जाते हैं हमारे, क्योंकि यही है हमारा बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, ऐसे नहीं है। हम ये सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है। जो कार्यकर्ता पुराने हैं इसमें, कई सालों से यहां पर हमारे बीच बैठे हैं, उनसे ज्ञान, उनसे आशीर्वाद, उनसे हमें सीखना चाहिए। यही है कि हमारे इस त्याग, तपस्या और बलिदान की वजह से ही हमारा वनतड में प्रशासन ने कार्य समय में हमें ऑर्डर सारे डिपार्टमेंट को किया, क्योंकि हमारे उस तरीके से हमने काम किया। हम किसी और संगठन, किसी और यूनियन जो काम करते हैं भड़काने का, लोगों को जागरूक भड़काते हैं, लाते हैं, उसके बाद उन्हीं को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या होगा। इस वजह से वहां से सभी जितने भी कार्यकर्ता है मायूस होकर, निराश होकर आज हमारे आरकेएमएस में, बीएमएस में जुड़ रहा है। कार्य ये होता है, तरीके से चलना, कैसे हम आगे को, आज भी मैं यहां से बोल रहा हूं क्योंकि वहां जिस वन तड़ के लिए मैं यही, ये मंच था हमारे बीच, हम सब यहीं थे, आज भी यहां से मैं प्रशासन को सूचना देना चाहूंगा कि आने वाले समय ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे नहीं होगा। बहुत कठिनाइयां, बहुत मुश्किल के समय हमारे ये कामगार जो अपने घर चलाते हैं, आज ये पोंगल है, कल एक वो भी पोंगल होगा, अगले साल एक वो भी पोंगल होगा, यहाँ पर अगले साल यहाँ खुशियां मनाया जाएगा, यहाँ खुशियां मनाया जाएगा। आज ये पोंगल है, कल आने वाले पोंगल भी होगा, कुछ अलग होगा, आपके चेहरे पे मुस्कान होगा। उससे पहले और भी है, दीपावली भी है, बहुत सा त्यौहार है, तो हम बनाएंगे खुशियों से। ईद होगा, दीपावली होगा, क्रिसमस होगा, लेकिन कुछ अलग होगा, होगा कि नहीं? कैसे होगा, कैसे होगा? ये होगा हमारा एकजुट होकर रहने का। प्रशासन से मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले समय आप जो भी निर्णय लेना है ये विषय में, क्योंकि हम कामगार हैं, हम कार्य करते हैं, हम प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं, हम अंडमान निकोबार प्रशासन में कार्य करते हैं, हमारा समस्या है, हमारे घर के प्रॉब्लम्स है, हमारे परिवार का प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन का प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, कई बातें हैं जो एक पगार को बढ़ाने से, हमारा रेगुलराइजेशन करने से इस सारे समस्या का हल एक ही है। वी वॉन्ट रेगुलराइजेशन, हमें रेगुलराइजेशन करना होगा, ये होगा, ये जरूर होगा। उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो रास्ते पर हम तरीके से, हम किसी को नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन जब हमारा कामगार दुख तकलीफ से गुजर रहा है, हमारा कामगार के घर पे
तकलीफें हैं, उनके परिवार को आगे चलाना है, उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनके बच्चे का भविष्य है, उनके घर बनाना है, ये सपना सिर्फ आप नहीं देख सकते, ये सबका अधिकार है, ये सभी का अधिकार है। आज के सरकार का यही सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी यही सपना है सारे पूरे सरकार का कि सभी खुशहाल हो, है कि नहीं, सभी के घर में खुशहाल हो, सभी के घर में परवरिश बच्चों का अच्छा हो, अच्छा एजुकेशन हो, सभी ये सपने देखे, जैसे हम सब का सपना है, हम सब वो सपने देखे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने अच्छा शिक्षा दे, अपने अपने घर को अच्छा से बनाए, एक परिवार अच्छा से रहे, एकजुट होकर रहे, एकता हो, भारत का यही पहचान है। तो आज अंडमान एंड निकोबार के जो राज्य कर्मचारी महासंघ, हम यहां से ये बोलना चाहेंगे कि जितने भी यहां बैठे, ये तो एक झलक है, छोटा सा झलक, आगे देखिए क्या क्या होता है, फिर मैं बताना चाहूंगा कि ये रेगुलराइजेशन के मुद्दा को प्रशासन गंभीरता से ले, क्योंकि इनका घर कैसे चलेगा, इनका बच्चे का परवरिश कैसे होगा, कैसे एजुकेशन होगा, कैसे अपने सपने को साकार करेंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले जो भी मुद्दे पर हम सब मिलकर इसी तिरंगा पार्क से हमने कार्य का शुरू किया था, आज वो सफलता में बहुत सा कार्य है जो हमारे दिग्गज यहां पर बैठे हैं, वीडियो निकल, ऐसे नहीं होता है, बहुत सा कार्य करना पड़ता है, यहां से करना पड़ता है, प्रशासन से करना पड़ता है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर करना पड़ता है, हम सभी के लिए तैयार है, लेकिन आप सब तैयार है क्या? लेकिन सबसे पहले अपना काम, अपना देश को तरक्की कराना है, हमें हमारे आइलैंड को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है, काम अपना जो भी कार्य हम अच्छा से करना है, जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, काम में कमी नहीं होना चाहिए, यही हमारे बीएमएस आरकेएमएस का पहचान। और आज का एकता प्रदर्शन आप सबको पता है क्यों है, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार का ज्वलंत जो समस्या है और हमारा जो मुद्दा है वो है रेगुलराइजेशन। हम अपने रेगुलराइजेशन के मैटर को लेके बहुत सालों से दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा है हमें। हमने लास्ट ईयर मार्च 13 और 14 को प्रदर्शन भी किया, भूख हड़ताल भी किया, इसके बाद प्रशासन थोड़ी देर के लिए तो जागी थी, और हमारे जो फाइलें हैं, बहुत साल पुराने फाइलें जो दूर जम चुकी थी, उन फाइलों में उन फाइलों को निकाला गया, जितनी फाइलें निकली उतनी हमारी उम्मीदें गहरी होती गई, लेकिन आपके जो लाल भाई जो CIQ है उसने हमारे जो मुद्दा है, जो हमारा जो मुद्दा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, उसमें पानी फेर दिया, पानी नहीं, उसने पूरा का पूरा जो मुद्दा जो आगे बढ़ा था उसको आग लगा दिया, कहीं ना कहीं उसने कोर्ट कचहरी में हमारे मुद्दे को फंसा दिया। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जो माननीय उपराज्यपाल जी है वो तो महाभारत के चरित्र है, भीष्म पितामह, तो उनके तरह बस बैठे हुए हैं, न जाने वो किस दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं, उन्हें हम कामदारों का, हम DRM का जो मजबूरी है, जो हमारी जो तकलीफें हैं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और माननीय सांसद जी का तो क्या कहना, हम यहाँ 13-14 को 2 से 3 दिन यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे, हम उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र से हैं, हम उन्हीं के अंडमान निकोबार आइलैंड के निवासी हैं, और लेकिन उनको हमारी जो तकलीफें हैं वो दिखाई नहीं देता। हम 13 और 14 तारीख को यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे थे, और उनका कार्यालय मात्र यहाँ से 200 से 300 गज की दूरी पर है, उन्होंने लेकिन वहां से एक परिंदा भी यहाँ उड़ के नहीं आया। तो हमारा जो उपराज्यपाल है वो तो भीष्म पितामह, तो इन्हें क्या कहा जाए। जो गांधारी जी है उन्होंने अपने पति का साथ
साथ देने के लिए आंखों में पट्टी बांध दिया था। हमारे सांसद पता नहीं किसका साथ देने के लिए आंखों में पट्टी बांध रही है और कानों में पता नहीं क्या लगाए हुए बैठे हैं जो उनको हमारी तकलीफें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम इस मंच से आह्वान करेंगे कि अगर हमारी जो रेगुलाइजेशन का मैटर है उसे जल्द से जल्द अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो ये जो आज जो भीड़ दिखाई दे रही है वो और बड़ी मात्रा में भीड़ बढ़ेगी और हम बहुत जल्द एक बहुत ही बड़े हड़ताल पे भी जाने के लिए तैयार हैं। तो आप सब हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं क्या? और हम जहां भी जाते हैं तो हम लोगों से सब लोग यही बोलते हैं कि हमें स्ट्राइक पे जाना है, हमें स्ट्राइक पे जाना है। अगर हम आपकी बात सुनकर अगर हम स्ट्राइक कर देते हैं तो क्या आप लगातार 15 दिन 20 दिन 30 दिन अगर एक महीना भी बैठना पड़े तो क्या आप साथ देंगे? नहीं देंगे। क्यों पता है? दो दिन बैठेंगे, तीन दिन बैठेंगे, तीसरा दिन आपको मेमो आने लगेगा और इस मंच को छोड़कर निकल जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने यह सोचा है कि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो सरकारी जो मतलब रास्ता होता है उसी के द्वारा जाएंगे, थोड़े दिन का समय उनको देंगे, उसके बाद हम अपना जो बाकी का कार्यक्रम है वो करेंगे। तो मैं अपना जो बात है उसको विराम देती हूँ। सिर्फ आपको एक बात बोलना चाहूंगी, श्रीमद् भगवद् गीता का सिखाया गया एक सत्य है, जब हम सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होते हैं तो विजय हमारी ही होती है। यह आत्मविश्वास का समय है और अपने उद्देश्य के प्रति पूरे तरह समर्पित होते हैं तो हम अवश्य जीत को हासिल करेंगे। और एक बात, मेरा जो एक छोटा सा बात है छूट गया है, CIQ के बारे में अगर मैं बोलूं तो CIQ जिस जहां भी उसने कदम रखा उस जमीन को उसने बंजर कर दिया। चाहे हो ATI कंपनी हो, बंबू फ्लैट में है ATI कंपनी सोर पॉइंट में, वहां अगर वहां के कोई भी बच्चा अगर यहाँ होगा तो उनसे पूछे कि ATI कंपनी उनके ही वो उस टाइम पे हमारा जो भारतीय मजदूर संघ यहाँ पे सक्रिय नहीं था और वो 30-40 सालों से CIQ ही सक्रिय था और उसने ATI कंपनी को बंद कर दिया और रिसेंटली रबर प्लांटेशन उसका नामो निशान चला गया, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन वो भी खत्म हो गया। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, हमारा जो एबीवीपी कर्मचारी है हमारे जिंदगी में भारतीय मजदूर संघ राम जी का दूध बनकर आया है। अगर भारतीय मजदूर संघ राज्य कर्मचारी संघ हमारे साथ नहीं आता तो शायद हम भी कई ATI कंपनी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन और रबर प्लांटेशन के तरह लुप्त हो चुके होते। आज जिस संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित है, अगर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग होता तो जरूर ही वो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में गर्व कर रहा होता कि उनके साथ इतना सारा सिर जुड़ा हुआ है। पर हम भारतीय मजदूर संघ, मैं अपनी कह रहा हूं, हमारे साथियों की ओर से कह रहा हूं कि आज मैं खुश नहीं हूं। आपकी इतनी बड़ी तादाद देखकर भी मैं आज खुश नहीं हूं। आपको लगेगा कि क्या उल्टा बोल रहे हैं। यहां पर भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पर एकता तो जरूर नजर आता है, पर आपका जो यहां पर आना ये हमारे लिए दुख का विषय है। अगर आप सभी प्रशासन के द्वारा यहां आने से पहले रेगुलराइज हो गए होते तो मैं ज्यादा खुश होता। आज यहां पर यदि हम प्रशासन की तारीफ करने के लिए एकत्रित हुए होते तो मैं ज्यादा खुश हुआ होता। पर दुख की बात यह है कि आज का भारत मजदूर और किसानों का ऊपर जीवित है, पर यहां के प्रशासन के प्रशासनिक जो अधिकारी है वो मजदूर को मात्र मजदूर समझते हैं, वो उन्हें कामगार नहीं समझते। APWD
अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, नाम तो बहुत सुंदर दिया गया है। हम यहाँ के बासिंदों के, यहाँ के पब्लिक का काम करने के लिए हमें बुलाया गया है, पर क्या काम बिना पैसे के होता है? फिर भी भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जो यदि ऐसी समस्या आती है देश के ऊपर, तो भारतीय मजदूर संघ का हर एक कर्मचारी, हर एक मेंबर बिना किसी ऊंच नीच के वो प्रशासन के साथ, देश के साथ खड़ा होता है। अभी आपने सुना, भाई साहब को सुना, भाई साहब ने कहा आप अपना काम को सही तरीके से कीजिए। यहां पर खड़े होकर वो ये भी कह सकते थे कि आप कल से टूल डाउन कर दीजिए, पर नहीं, भारतीय मजदूर संघ कभी ऐसे चीजों को बढ़ावा नहीं देता जिससे कि देश को नुकसान पहुंचे। इसीलिए हमारा नारा भी है, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। हम काम तो अवश्य करके देंगे, प्रशासन का काम हो, देश का काम हो, पर उसका बकायदा जो हमारा मुआवजा है, जो हमारी मेहनताना है, वो हमें प्रशासन को देना होगा। तो दोस्तों, आज मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए अगर प्रशासन वहां पर, आपने कभी देखा, पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं, आपने कभी देखा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई भी आईएएस ऑफिसर इस तरह का यूनियन बनाकर, इस तरह का गुट बनाकर कहीं रास्ते में आकर झंडा लेकर खड़ा हुआ, कहीं पर भी खड़ा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर है, उनका फाइल उन्हीं के हाथ में है, वो जो चाहे कर सकते हैं, पर हमें वो मजदूर समझते हैं। हमारा फाइल उनके पास जाता है, हमारा फाइल को वो दबा देते हैं, हमारी आवाज को वो दबा देते हैं, पर हमारा काम वो नहीं करते। दोस्तों, यही विडंबना है अंडमान निकोबार में भी। यहां पर जो आईएएस ऑफिसर है वो अपने आप को यहां का राजा समझते हैं। मैं आज इस मन से आपको बताना चाहता हूं, हाल फिलहाल हमारे साथ जो घटना घटी, हाल फिलहाल हमारे साथ जो घटना घटी उसके बारे में बताना चाहता हूं। वो भले ही आपके मुद्दे से रिलेट नहीं करता हूं, पर साथ पर हमारे मजदूर भाइयों के रिलेट करता है, मजदूर भाइयों के बातों से। दोस्तों, हाल ही में हमने एक डायरेक्टर के चैंबर में जाने के लिए उनसे बकायदा परमिशन मांगा, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, मैं यहां से उनका पोजीशन का, उनका ऑफिस का नाम भी ले रहा हूं, जो सुन रहे हैं उन तक ये आवाज पहुंचा दे। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के चैंबर में हम जाने के लिए बकायदा 3 बजे उनसे परमिशन लिया, और उन्होंने खुद परमिशन दिया कि आप आकर मिलिए। पर दुख की बात यह है कि जब हमारी टीम उनके चैंबर में गई तो उन्होंने हमें बैठने के लिए भी नहीं कहा, सीधे ही कहा मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। ये एडमेंट नेचर, इस तरह का व्यवहार दिखाता है यहां के प्रशासनिक अधिकारियों का। वो यूनियन से बात नहीं करेंगे, यूनियन के अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, तो आप सोच के देखिए कि हम कहां जाएंगे। इस विषय में हम बहुत ही जल्दी उसके ऊपर के जो अधिकारी है उन तक उनकी जो हरकत है वो पहुंचाएंगे। बहुत ही जल्द आने वाले सप्ताह में उसका चिट्ठी भी उनके ऊपर के अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात, इस प्रशासन की मैं बता रहा हूं, प्रशासन के मुख्य सचिव, माननीय मुख्य सचिव जी, पब्लिक का दर्द, अन्य लोगों का दर्द को समझाने के बाद, समझने के बाद, उन्होंने करीब 1 साल हुआ होगा, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि यहां के प्रशासन में जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वो 3 बजे से 4 बजे तक पब्लिक टाइम के लिए अपने चैंबर में रहेंगे। किसके लिए? पब्लिक टाइम के लिए। जब आप 3 से 4 के बीच जाते हो, उसका भी एक घटना मैं कल हमारे साथियों में बताऊंगा, जब आप 3 से 4 के बीच कोई कर्मचारी हो या कोई पब्लिक हो या कोई यूनियन लीडर हो, जब वो जाता है
तो वहां पर उनका जो पीएस बैठा हुआ होता है तो वो कहता है कि सेक्रेटरी साहब अभी बिजी है। एक और माननीय मुख्य सचिव जी ने सर्कुलर निकाला डायरेक्टर्स सेक्रेटरीज के लिए कि आप 3 से 4 का समय सिर्फ पब्लिक के लिए रखोगे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको इस मन से बताना भी चाहता हूं माननीय मुख्य सचिव जी कि आपका जो ये ऑर्डर है इसको आपके प्रशासन के नीचे के अधिकारी कोई नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता। जब उस वक्त जाओ या तो वो किसी अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे होते हैं और या तो ये कहते हैं कि हमने अभी हाल ही में ऑफिस रिज्यूम किया है, कल आना। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।